कोविड-19 को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने जनपद संभल की चंदौसी स्थित ग्राम मौलागढ़ के कई मंदिरों में कैंप लगाया। इस दौरान कोविड जांच का सैंपल देने के लिए मंदिरों के पुजारी और उनके परिजन सैंपल देने से बचते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ लोगों को जागरूक किया और बताया कि इसे अपना ही नहीं सभी का फायदा है। डॉक्टर शिखा ने कहा कि टेस्ट होने से हम और हमारा परिवार सभी लोग सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि मौलागढ़ में सोमवार को करीब 70 सैंपल लिए गए। तो यहाँ पे कोविड के टेस्ट कर रहे हैं, आपने कहाँ कहाँ टेस्ट करी है आज? मौलागढ़ के देवी मंदिर में, देवी प्राचीन मंदिर है जी, और शिव मंदिर में ऑलरेडी सैंपलिंग हो रही है, इसके बाद और आगे मंदिर है उसमें करने जा रही है। आज कितनी टोटल सैंपलिंग हो चुकी है? टोटल हो चुकी है 56 हो चुकी है, तो इसमें आरटीपीसीआर की काउंटिंग चल रही है जी, आरटीपीसीआर भी काफ़ी हो चुके हैं। तो मैम अभी जैसे लोग कुछ दिक्कत परेशानी कर रहे हैं सैंपलिंग कराने में? हाँ, विरोध होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, खुद से भी जाते हैं, खुद से उनको समझाते हैं कि आप करवाइए, आपके हित में सैंपलिंग कराना, एक रूटीन की जांच है, ये कोविड जांच रूटीन की जांच है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि भी करवा लें।